तीन जो है मेरे को जबरदस्त फेवरेट फूड्स है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग जो है कैसा रहेगा, आज के व्लॉग में मैं एक्वेरियम जो है सेटअप कर रहा हूँ, वो जो है किस तरह से सेटअप कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ वो जो है आपको व्लॉग में जो है मैं आपको कम्प्लीट बताऊँगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं खलील के सफ़र को, आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और अपने जो है जितने भी राय है अपनी जितने भी जो है व्यूज़ है कमेंट सेक्शन में जो है आप टाइप करिए। एक्वेरियम रखना, फिशेस पालना बचपन से ही शौक़ था फ्रेंड्स मेरा। वो कहाँ से शुरू हुआ, कैकू शुरू हुआ, इंशाल्लाह आगे चल के व्लॉग्स में मैं बताऊँगा। ऑलमोस्ट 6 साल पहले मेरे पास 3 एक्वेरियम सेटअप करा था मैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके ये टैंक्स सेटअप करा था मैं। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गया था, उसके बाद हम लोग वहाँ से घर शिफ्ट करे थे, यानी कि बोरा बंडे से हम लोग अब जहाँ पर रह रहा हूँ मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, तो इसीलिए मुझे जो है ना चाहते हुए भी उसको डिसमेंटल करके रखना पड़ा। यहाँ पर आने के बाद, यानी कि मैं फ़िलहाल जहाँ पर हूँ वहाँ पर आने के बाद इसको पैक करके रख देना पड़ा। हर एक सामान जो लिया था मैं, लाइट्स, ट्री फूड्स, हर एक चीज़ मुझे पैक करके रख देना पड़ा था। अब उसका स्टैंड भी नहीं था और जो है जगह भी नहीं थी मेरे पास रखने के लिए। दिल तो हमेशा चाहा फिर से ये टैंक सेटअप करूँ फ्रेंड्स, बट ऐसे रीजंस हुए कि मैं सेटअप नहीं कर पाया इन लोगों को। ये सेटअप क्यों स्टार्ट करा बोले तो, लास्ट टाइम जब मैं जिब्रान के पास गया था, उनके पास एक एसी का स्टैंड था, वो बोल रहे थे कि ये खाली रखे हुआ है, आप होना है तो लेकर जाओ बोल के। ये स्टैंड देखते ही मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, ये स्टैंड पे हम जो है एक्वेरियम सेटअप कर सकते हैं, और कहाँ पर रखना वो जो है एकदम जो है क्लिक हो गया मेरे को। तो जिब्रान थोड़ा सा सपोर्ट करे और थोड़ी सी हिम्मत करे, उसके बाद हम लोग इसको ऑटो में डाल के लेकर आए साथ में। सिर्फ एक्वेरियम सेटअप करने के लिए ड्राइंग रूम को जो है पूरा सेटअप चेंज करके हॉल में शिफ्ट करा। शिफ्ट करने के बाद हॉल का जितना भी स्ट्रक्चर था, हॉल का जितना भी जो है सेटअप था, उसको चेंज करके एक्वेरियम जो है सेटअप करने का इरादा करा। स्टैंड लाने के बाद मैं कारपेंटर के पास जाके नीचे से जो है एक प्लाईवुड का पीस लिया। लेने के बाद ये एक्वेरियम्स अंदर रखे हुए थे, स्टोर रूम में रखे हुए थे, उनको लाके ये ऐसे बाहर रखा के देखा कि किस तरह से ये सेटअप करेंगे बोल के। तो मेरे पास 3 टैंक्स थे फ्रेंड्स, तीनों जो है सेम साइज़ के है ये टैंक्स। मैं सोचा इनको इक्वल तरीके से रखेंगे बोल के, बट जो है ये हॉल में है तो दो तरफ से भी जो है लोग देखते हैं, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स देखते हैं या हम देखते हैं, तो अच्छा लगेगा बोल के मैं एक जो है इस तरफ से रखा, एक तो इस तरफ से रखा। फ्रेंकली बताऊँ, एक्वेरियम सेटअप करने में जो मज़ा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। एक एक प्रोसेस जो है इंजॉयबल होता है, जाके थर्माकोल लेकर आओ, जाके छोटे छोटे चीज़ें लेकर आओ, इलेक्ट्रिक का आइटम्स लेकर आओ, उसके बाद उनको एक एक आइटम्स को क्लीन करो, बहुत ही मज़ा आता है इन ये सब काम करने में। ये थर्माकोल के जो है पीसेस एग्जैक्टली, तो ये आ गया था, यहाँ छोटा था थोड़ा, तो जो है उसको भी काट के जो है लगा दिया ये। अभी ये जो है इसको थोड़ा सा वाटरप्रूफ और थोड़ा सा जो है अच्छा खूबसूरत दिखने के वास्ते जो है इसके ऊपर कुछ जो है प्लास्टिक की जो है शीट है मेरे पास, ये देखिए ये शीट है, ये टेम्प्रेरी जो है बिछाता हूँ, फिर आगे चल के भी जो है आप लोगों को कुछ अपडेट हुआ था उसके, मैं इससे भी जो है सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हैप्पी नहीं, फिर भी जो है वाटरप्रूफिंग रहता है इसके नीचे, अच्छा है, अच्छा रहता बल्कि ये दाब। ये 3 एक्वेरियम्स धोना है, ऑलमोस्ट 6 साल से ऐसे ही रखे हुए थे। ये धोना है, ये सारे थे, ये फिल्टर्स
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। एक एक ड्रिप फूड अच्छे से रहता हूँ, वाटर प्रूफ ऐसा टाइम हो रहा धो के। ये तीन जो है मेरे पास ज़बरदस्त ड्रिप फूड्स है। ये भी अच्छा दिखता है, मैं बहुत ज़बरदस्त है। ये स्टोन्स में यही इसमें इससे कलेक्ट कर आराम से कलेक्ट कर, ये कंस्ट्रक्शन साइट है। फार्म में जाके थोड़े से स्टोन्स थे वहाँ पर और थोड़े से एक्वेटिक प्लांट्स थे मेरे पास, तो उनको लाना था। जाके बालकनी में देखा तो जो है पानी बहुत ज़्यादा हो पड़ रहा था, यानी कि बारिश हो रही थी। तो मैं बस थोड़ा सा जो है आप लोगों के साथ किस तरह से ये सेटअप कर रहा हूँ वो जो है बताता हूँ फ्रेंड्स। अभी ये तीन जो सेटअप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कोई भी जो है एक्सपेंसिव आइटम्स नहीं डालूंगा इसमें, ना कोई जो है चीज़ ख़रीदूंगा, ना जैसे कि कोई ड्रिप फूड्स हो गए, ना जो है उसमें एक्सपेंसिव फिशेस है, ना कोई एक्सपेंसिव लाइट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा जो है जो भी मेरे पास पुराने आइटम्स थे उनको ही यूज़ करूँगा, और जो भी जो है एकदम लेस जो है कॉस्ट के जो फिशेस होते हैं उनको ही जो है मैं सेटअप करूंगा फ्रेंड्स। जनरली एक्वेरियम रखने से पहले ही वही सोचना है, पहले अपना बजट कितना है, आप जो है लेस बजट का एक्वेरियम सेटअप करना है या आपको एक्सपेंसिव चीज़ें जो है ख़रीदना है, आपके ऊपर डिपेंड है, आपके बजट के ऊपर है फ्रेंड्स, आप किस तरह से एक्वेरियम रखना है आपको। ये सारे ड्रिप फूड्स जो है मैं अभी धोया, देखिए ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये मेरे ऑलमोस्ट जो है 2009 में मैं जो है ये कलेक्ट करा था, 2009 से मेरे पास है ये ड्रिप फूड्स। और बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त थे, मेरे पास टैंक जो है निकाल दिया था, इसीलिए जो है बहुत सारे जो है ड्रिप फूड्स बेच दिया, जो मेरे पर्सनल कलेक्शन में थे वो जो है रख लिया था। मैं कभी भी जो है टैंक सेटअप करूँगा तो जो है इन लोगों को जो है यूज़ करेंगे बोल के। बहुत अच्छे जो है फीचर्स हैं इसमें, बहुत अच्छे खूबसूरत है। आप पानी में भी जो है ये डूबते इजीली, इनको किस तरह से जो है मैं यूज़ करता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिए, मैं नीचे जा रहा हूँ, ये लाल मिट्टी लाना है मेरे को, लाल मिट्टी और जो है एक्वाटिक प्लांट्स फार्म में है वो जाके लेके आना है। चलिए लेके आने जाके, जब से जाएंगे वो तो बारिश हो रही है, कोई ना पहले ज़बरदस्त बारिश हुई। यहाँ पर भी जो है मेरे को ग्रास होना है, वो ग्रास कहाँ पर है देखिए, यहीं पर जो है ग्रास देखिए, ये तो लेके जा रहा हूँ, मेरे को अच्छे से वॉश करना है पहले, वॉश करके लगाएंगे। दिस सफिशिएंट है, अच्छे पानी से धो लेंगे। घर के लिए तो अच्छे से धो लेंगे, थोड़ा सा
बारिश हो रही, मेरे को डर लग रहा कहाँ से आप निकल के आएंगे बाहर मिल। ले लिया मैं लाल मिट्टी थी और थोड़े से वेस्टर्न एरिया और थोड़े से अजोला ले लेके जाए। जब से मोर ज़बरदस्त तरीके से पुकार रहा था मेरी गाड़ी यार आ गई। देखिए थोड़ा सा अजोला ला लिया और फार्म में से जो है थोड़ा वेलनेस भी ला लिया, जो है उतना ख़ास नहीं है, ब्रश के पूरे जो है ये निकल जा रहे घर में उड़ गए थे। फिलहाल जो भी मेरे पास अवेलेबल है उनको ही इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रेंड्स। कोई भी जो है प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स बाहर से ख़रीद के नहीं लेके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे चल के कोई फ्रेंड्स के पास है जो है एक्सचेंज करूँगा कोई प्लांट्स के साथ। ये फाइनल वॉश, जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि मैं ये लाल मिट्टी का जो है क्यों डाल रहा हूँ, जो है ये डिज़ास्टर होगा बोल के। जो भी जो है नए हैं उनको ही ये जो है डाउट आएगा, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स में है जो मतलब DIY करते हैं उनको जो है ये मालूम है कि लाल मिट्टी हम क्यों यूज़ करते हैं। बल्कि मैं देखिए लाल मिट्टी जो प्योर जो है लाल मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है ना, वो यूज़ कर रहा हूँ फार्म की। और उसमें थोड़ा सा जो है मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसका जो है अच्छे से पेस्ट बना के नीचे जो है बॉटम टैंक के लेयर में डाल रहा हूँ मैं। जब भी कोई भी प्लांट्स हम लगाते हैं तो जो है वो उनको जो है स्ट्रेंथ मिलती है और उनको एनर्जी मिलती है ग्रो होने के लिए। सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन सैंड में प्लांट्स ग्रो होना थोड़ा सा मुश्किल है फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स जो सब्सट्रेट यूज़ करते हैं वो ADA का सब्सट्रेट यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है फ्रेंड्स। बट मैं जो है वो ज़्यादा चीज़ों में जो है जाना नहीं चाह रहा हूँ। जो भी, फिर से वही बता रहा हूँ मैं, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, जो भी मैं ऑलमोस्ट 2009 में जो भी जो सीखा था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वही जो है वही टेक्निक्स, वही नॉलेज जो है इस्तेमाल करके ये टैंक बना रहा हूँ। हो सकता है बहुत अच्छे से बने, हो सकता है ये डिज़ास्टर हो, वो भी जो भी हो आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा मैं मेरी ये एक्वेरियम की जर्नी। प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को आप देखते रहिए ऐसे ही, और सजेशंस देते रहिए कि मैं आगे चल के कैसे वीडियोस मैं बनाऊँ। बल्कि लाल मिट्टी का पेस्ट डालने के बाद मैं थोड़ी जगह जो है थर्माकोल के पीसेज यूज़ करा कि थोड़ा सा वॉल्यूम जो है बैक साइड आए बोल के। उसके बाद जो है ये कंस्ट्रक्शन सैंड जो कम से कम जो है 10 times मैं धोया उसको अच्छे से, उसके बाद जो है ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये जो है स्टोन्स जो होते हैं, जो पत्थर है, ये भी जो है पर्सनली कलेक्ट करा सो हूँ मैं अपने फार्म्स के पास से। तो वो इस्तेमाल करने के बाद ये जो है ड्रिप फूड जो है अरेंज करके देख रहा हूँ। जब भी ये ड्रिप फूड्स और स्टोन्स के साथ अरेंजमेंट होता है ऐसा लगता है कि एक पज़ल है और इनको हम सॉल्व करना है। बल्कि एक सेटअप करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये मतलब अलग अलग जो है ड्रिप फूड्स, अलग अलग स्टोन्स को अरेंज करके देखना कि किस तरह से जो है ये प्लीजिंग लगे, किस तरह से जो है देखने में ये खूबसूरत लगे, और ऊपर से जो है सैंड पे जो है वर्क करना पड़ता है।
तीन एक्वेरियम सेटअप करना है, बहुत सारे ड्रिफ्ट फूड्स है, बहुत सारे स्टोन्स है, ये ऐसा लग रहा था कि ये पज़ल कब सॉल्व होगा और किस तरह से सॉल्व होगा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि टैंक्स जो भी हो जो है ज़्यादा बड़े फिशेस नहीं रहेंगे, बिल्कुल जो है छोटे फिशेस रहेंगे और एकदम कॉमन फिशेस रहेंगे बोल के। तो मेरा इरादा क्या था, एक में जो है ज़्यादा ड्रिफ्ट फूड्स नहीं लगाएंगे, दो में ज़्यादा ड्रिफ्ट फूड्स लगाएंगे और नॉर्मल प्लांट्स जो है इसमें लगाएंगे, जैसे कि मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए या क्रिप्ट्स हो गए, इस तरह से लगाएंगे बोल के। थोड़ा दूर से भी होगी बात, समझ में नहीं आता। अब कौन है, मैं करके ले हां, जरा सब्र की बात मैं बोला ना, जरा सब्र करो। तो मेरे को जरा एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता था। कम से कम 10 बार तो भी अलग अलग सेटअप करके देख रहा था फ्रेंड्स, किस तरह से जो है ये प्लीजिंग लगे बल्कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप जो है फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड का सेटअप वो फाइनल करा, उसके बाद बीच का सेटअप जो है मैं उतना ज़्यादा मुतमईन नहीं था, उतना सेटिस्फाई नहीं था, बट राइट साइड का जो है टैंक में को अच्छा लग रहा था। फाइनली 3 से 4 घंटे की मुश्किलों के बाद ये फाइनल जो है सेटअप हुआ फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ये भी फाइनल जो है सेटअप नहीं है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो गए, इसमें भी बहुत सारे चीज़ें ऐड होगी। नेक्स्ट डे यानी कि 24 आवर्स के बाद ये है फ्रेंड्स एक्वेरियम का सेटअप। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ खलील के सफ़र को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।